कारण है आज ये बड़ा। देखिए पूरे हरियाणा के किसानों के हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा पीछे का बाकी है और इस सीजन का खरीफ का फसलें जो बाढ़ से सूखे से गुलाबी सुंडी से बर्बाद हुई, तो हमारी सरकार से मांग है कि प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। बीमा क्लेम की हमारी मांग है। अब की बार देखिए आप, फसलें खराब थी तो बीमा क्लेम बीमा कंपनियों ने प्रीमियम नहीं लिया जी। तो जब फसल अच्छी होगी तो कंपनी प्रीमियम लेंगे, जब फसल खराब होगी तो कंपनियां प्रीमियम नहीं लेंगी। तो ये लगातार पांचवें दिन से यहाँ दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का चल रहा है और अब तक दुष्यंत चौटाला ने कोई वार्ता संयुक्त किसान मोर्चा से नहीं करी है। 9 अक्टूबर को महापंचायत हुई, महापंचायत में दुष्यंत चौटाला का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। कार्यालय में आए तो कोई दुष्यंत चौटाला या उसकी तरफ से किसी ने बात नहीं की। और जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उसका मंत्री दुष्यंत चौटाला है और ये हजारों करोड़ रुपए किसानों का हक है। ये 22 जिलों की लड़ाई है और ये तय कर लिया है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने कि हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। किसानों के हक के लिए हम लगातार यहाँ पर धरना चलाएंगे। हर रोज अलग अलग संगठनों का नंबर लगता रहेगा और संगठन वाइज यहाँ पे किसान आएंगे, इस धरने को मजबूत करेंगे और 20 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक है नई दिल्ली में। आपने देखा कि एक न्यूज क्लिक के नाम से एक FIR दर्ज हुई है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिए गए कि फंडिंग आई है, न्यूज क्लिक के थ्रू आई है, SKM के नेताओं को आई है, यानी कि सरकार के षड्यंत्र लगातार जारी है। तो 20 तारीख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद यहाँ पे निश्चित तौर पे बड़े फैसले लिए जाएंगे और इस कार्यालय का कोई काम नहीं है। कार्यालय के आप बार बार दुष्यंत चौटाला का नाम ले रहे हो, तो दुष्यंत चौटाला कार्यालय के आगे ही धरना क्यों लगाया गया? देखिए दुष्यंत चौटाला एक तो हरियाणा के डिप्टी CM है, उससे भी बड़ी बात ये है कि मुआवजा देना राजस्व विभाग का काम है और हरियाणा के राजस्व मंत्री दुष्यंत चौटाला है जी। हम पॉलिटिकल लोग नहीं, हमारे पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है। जो दुष्यंत चौटाला ने किया वो देश के और हरियाणा के किसानों को पता है, समय आने पर उसका हिसाब किताब भी होगा और इनकी सत्ता से बेदखली भी होगी। लेकिन हम इस आंदोलन को चलाएंगे, बड़े फैसले लेंगे, यहाँ से कड़े फैसले लेंगे और सब संगठन पूरा संयुक्त किसान मोर्चा सर्वसम्मति से इस आंदोलन का निर्णय करेगा। कल से ये आंदोलन, यहाँ का जो धरना है, ये एक बड़ी ताकत के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस कार्यालय का काम क्या है? कार्यालय होता है लोगों की समस्या का समाधान करना जी। यहाँ ताला मार करके बैठे हैं, ये 5 किलो का मार करके बैठे हैं तो किसान 10 किलो का ताला लगा देंगे, कर दो इसको बंद। काम क्या है इसका? पंचायत में बुलाया, कोई नहीं आया। दुष्यंत चौटाला की तरफ से वो नहीं आ सकता था, उसकी तरफ से कोई आता? हमारे वोट लेकर के दुष्यंत चौटाला सरकार में है, आज वही किसान की बात नहीं सुन रहा है। 5 एकड़ की शर्त लगा रखी है, वो एक मुद्दा है। हम ऋण माफी जो इनका वादा है उसको पोर्टल के नाम पे आधा मतलब 5 एकड़ की शर्त कि मुआवजा केवल 5 एकड़ तक मिलेगा। किसी किसान को 15 एकड़ जमीन है और उसको नुकसान 15 एकड़ में हो गया तो ये कह रहे हैं कि 5 एकड़ का देंगे, 10 एकड़ का नहीं देंगे जी। और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं सामण साडू और साडी और जो है मुआवजा 3 फसल किसान लेता। हम कहते हैं खट्टर छोड़ दे अपनी सुविधाएं, छोड़ दे अपने वेतन भत्ते और पेंशन, हम भी दरी उठा के अपने घर चले जाएंगे, करे मुख्यमंत्री घोषणा। तो यहाँ एक मजबूत आंदोलन चलेगा, पूरे हरियाणा की नजर है इस आंदोलन पे और जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे फैसले लेंगे। लेकिन किसान यहाँ से जीत के जाएगा, बगैर जीते यहाँ से हम वापस नहीं लौटेंगे। 5 दिन से लगातार धरना जारी है, अभी तक कोई अधिकारी या कोई पहुंचा है अभी तक? यहाँ पे कोई अधिकारी बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई कर्मचारी तक नहीं आया, ना उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बातचीत हुई। उस समय उन्होंने जब बात हुई तब हुआ था कि भाई 11 तारीख को फैसला लेंगे, 11 तारीख को टाइम दे देंगे, लेकिन वो टाइम भी नहीं मिला जी। बस ठीक है।